अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्विंस फंडा न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा। और मैं हूं महक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। आजादी का दिन करीब आते ही महंगाई का जिन भी आजाद हो गया। कोरोना के वार्ड टेस्ट, अब वैक्सीन लगवाने वाले ही 14 अगस्त मना सकेंगे। इफल टावर बैरियर टाउन को तीसरी और आखिरी कोरोना डोज लगा दी गयी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 14 अगस्त को कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाने के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर ऑटो स्पेयर पार्ट फवाद चौधरी का अहम ख़िताब। अरशद नदीम ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही खत्म। डोंकी किंग ने नई तहरीक शुरू कर दी, कोरोना को हाँ, वैक्सीन को ना। और अब खबरें तफसील के साथ। तफसील जरूर सुनिएगा, आपके काम आएगी। आजादी का दिन करीब आते ही महंगाई का जिन भी आजाद हो गया। जी अजान, बताइएगा इस वक्त क्या हालात है उर्दू बाजार में। जी महक मलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उर्दू बाजार में। सुबह मैंने अपने पापा से झंडियों के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए और वही 20 रुपये लेके मैं उर्दू बाजार आ गया। लेकिन यहाँ पे तो मुझे झंडियों के फट्टे के पास भी नहीं खड़े होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि झंडियों खड़ोना ना हो जाए। इनका कहना है कि झंडियाँ लेनी है तो ज़्यादा पैसे लेकर आओ। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, जो वैक्सीन लगवाएगा वही 14 अगस्त मनाएगा। चाहे आप वन मिलिंग करें या हला गुला करें, खूब बाजे बजाएं, लेकिन इससे पहले कोरोना वैक्सीन जरूर लगवा लें। 13 अगस्त की रात को इफल टावर पर बहुत ज्यादा लोगों का रश होता है। कोरोना से बचाव के लिए इस बार इफल टावर को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई और इसको पहनाने के लिए मास्क भी ऑर्डर कर दिया है, जो 13 अगस्त तक आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 14 अगस्त को कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाने के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। शेख रशीद अहमद ओपनिंग करेंगे और शाह महमूद कुरैशी उनके रनर होंगे। इमरान खान ने टॉस हार के पहली बैटिंग करने का फैसला किया है। वफ़ाक़ी वज़ीर ऑटो स्पेयर पार्ट्स फवाद चौधरी का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं, जिसको जो करना है खुद ही कर ले, लेकिन अल्लाह का वास्ता है, वैक्सीन लगवा लें। ओलंपिक प्लेयर अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वो अगर गोल्ड मेडल जीत लाते तो वो प्रोटोकॉल नहीं मिलना था जो अब मिला। केपीएल शुरू होते ही मुजफ्फराबाद टाइगर्स जीत गई, क्योंकि मुजफ्फराबाद कश्मीर का कैपिटल है। अगर वो हार गया, उसने पूरे कश्मीर की बिजली पानी गैस बंद कर देनी है, इसलिए उसको जितवा दिया गया। डोंकी किंग की नई तहरीक, कोरोना को हाँ, वैक्सीन को ना। अब आप बेहतर जानते हैं कि डोंकी किंग के साथ चलना है या हुकूमत पाकिस्तान के। आज की खबरों में बस इतना ही था। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहें कोई सा भी न्यूज़ चैनल। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।